हेलो दोस्तों, मैं कुलजीत आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया गया था, हाल ही में समाचारों में स्थित शब्द रोडियो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब देखिए, रोडियो शब्द जो न्यूज़ में आने की बात हुई है तो पक्का ये किसी ना किसी चीज़ से संबंधित होगा। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो रिसेंटली न्यूज टर्म रोडियो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रोबोट से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है बी। दोस्तों, रोडियो एक रोबोट है। अब जब रोडियो रोबोट की बात आती है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, आपको सुन के शायद विश्वास ना हो, लेकिन विश्वास करना अब जरूरी होगा आपको, क्योंकि ये सच्चाई है कि ये कुछ बच्चों ने मिलकर एक रोबोट बनाया है और ये रोबोट इतना सही है कि अब उसको पुणे के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दे दिया गया है ट्रैफिक की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। तो देखिए, बच्चों ने बनाया है, आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं कि चाहे आप फेलियर ही आए, लेकिन फेलियर आपको कुछ सिखा के जाएगा आगे कुछ बेटर करने के लिए। थे दोस्तों, ठीक है, चलो ये देखिए, ये है वो रोबिट रोबोट और ये है वो बच्चे। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं कि उन्होंने मिलकर ये रोबोट बनाया। आप भी कर सकते हो, इसका मतलब सीखो, इन बच्चों से एनकरेजमेंट लेनी चाहिए ऐसे बच्चों से। तो ठीक है दोस्तों, चलो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो देखिए, रोबोट के बारे में, इसके अंदर एक 16 इंच LED डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है ये डिस्प्ले, ए टिकर ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट मैसेज लाइक वियर ए हेलमेट, डो नॉट जंप द सिग्नल, ऐसी बातों को, सिग्नल ना तोड़ो और हेलमेट पहन के चलो, ये सब बातें। अब ये जो रोडियो है ये एक मल्टी फंक्शनल रोबोट है। मल्टी फंक्शनल मतलब बहुत सारे काम करेगा, बहुआयामी रोबोट है। दैट गिफ्टेड बाय आवर टीम टू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। ये एक पायलट प्रोजेक्ट वर्क के तौर पर ये लाया जा रहा है। चलो अब पहला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सिटी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो टू इनोग्रेट। निम्नलिखित में से किस शहर में जीवंत गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया जाना है या किया गया है। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात तो स्टेट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है गांधीनगर में। तो इसका आंसर बनता है सी। तो दोस्तों, हम जान लें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो जिसकी बारे में बात हुई है, उसे किसे इनोग्रेट किया गया है, उसकी थोड़ी डिटेल जान लें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में जाके किया है 17 जनवरी 2019 को। ड्यूरिंग दिस वो गांधीनगर, अहमदाबाद और हजीरा में विजिट करेंगे। उसके दौरान ये महात्मा मंदिर एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इन गांधीनगर को भी ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो और प्रधानमंत्री ही इनोग्रेट करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो समिट को, जिसमें मोर देन 25 इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर विल बी शोर केस देयर वन ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च वाटर अवेयरनेस फोरम। निम्नलिखित में से किसने मतदाता जागरूकता मंच लॉन्च किया? देखिए, मतदाता जागरूकता लंच मंच या वाटर अवेयरनेस फोरम किसने लॉन्च किया दोस्तों? ये लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इसका आंसर बनता है डी। अब आप बताएंगे कि इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त कौन चल रहे हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो वोटर अवेयरनेस फोरम के बारे में थोड़ा जान ले। ये देखिए, वोटर अवेयरनेस फोरम की थोड़ा थंबनेल ऐसा है देखने में। चलो अब वोटर अवेयरनेस फोरम, जैसा कि मैंने बता दिया, इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया ये जानना जरूरी है। न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। और देखिए, सिमिलर वीएस वर लॉन्च इन बाय द इलेक्टोरल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स इन दी स्टेट कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट और राज्य और जिलों में भी ये लॉन्च किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। एक तरह का वोटर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलने जरूरी है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित गांधीवादी पुनरुत्थान प्रस्तुत करता है, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड, निम्नलिखित में से किसने संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया गांधीयन रिसर्जेंस समिट। इंग्लिश में याद रखना है तो गांधीयन रिसर्जेंस समिट, हिंदी में याद रखना है तो गांधीवादी पुनरुत्थान प्रस्तुत, ठीक है दोस्तों। तो ये किया है हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस दोनों ने मिलके। तो इसका आंसर बनता है सी। ऑर्गेनाइज किन दोनों ने मिलकर क्या किया है, किसने ऑर्गेनाइज किया गांधीयन रिसर्जेंस समिट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए,
जो ये गांधीयन रिसर्जन समिट है ये किस डेट में कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, प्रयागराज में हम आए भी थे, तो जनवरी 2017 2019 के जनवरी 17 में। और समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा, जैसे कि हमने बता दिया, परमार्थ निकेतन जो कि हरिजन सेवक संघ एंड ग्लोबल इंटरेस्ट फॉर। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आता है, सक्षम कैंपेन कम्स अंडर द एजिस ऑफ, सक्षम अभियान किसके अंतर्गत आता है? तो सक्षम अभियान आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। तो इसका आंसर बनता है ए, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। तो सक्षम अभियान के बारे में थोड़ा जान ले, सक्षम अभियान एक एनुअल हाई इंटेंसिटी 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक मेगा कैंपेन होगा, किसका? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का, जो किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो याद रख लीजिए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। चलो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित जागरूकता सह स्वास्थ्य शिविर है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कम हेल्थ कैंपेन, अब देख लीजिए क्या अवेयरनेस कम हेल्थ कैंपेन, जागरूकता सह स्वास्थ्य शिविर किसने ऑर्गेनाइज संगठित किया? तो दोस्तों ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब ने मिलकर किया है। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ अबव, तो डी मतलब सभी। देखिए अवेयरनेस कम हेल्थ कैंपेन, जागरूकता सह स्वास्थ्य शिविर के बारे में थोड़ा जान लें। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता चल गया है कि इन सब ने मिलके NCSK, SDMC, NSK, FDCA मिलके ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है दोस्तों। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी किया गया है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सूचकांक, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है दोस्तों? ये रिलीज किया जाता है नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट द्वारा, राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। तो देख ले थोड़ा, ये देखिए, अब देखिए डेवलपमेंट यूथ डेवलप ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय ग्लोबल वेल्थ सेक्रेटेरिएट ऑन कंट्रीज प्रोस्पेक्टस फॉर यंग पीपल इन एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में, सिविक में और पॉलिटिकल स्फीयर में। तो दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे, समाचारों में देखा गया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? सीन इन न्यूज टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट टू रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों मैं जाते समय समय एक बात कहना चाहूंगा, सभी हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? अपने हाथों की लकीरों को आप क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, ऐसा होता है ना, हम लकीरें देखते रह जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। दोबारा बोलता हूं, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों कभी ये मत सोचो कि मेरी ये किस्मत है, आप देखना एक नॉर्मल देखना, मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया, खुद को भी नोटिस किया है। अब एक नॉर्मल बात सुनना, हम सोचते हैं कुंडली पढ़ लेते हैं, किस्मत सोच लेते हैं, किसी ने बोल दिया हमसे तो ये हो ही नहीं सकता। भैया जिस वक्त आप ये बात कह रहे हो ना हमसे हो नहीं सकता, तो ये आपका बोलना और आपके दिमाग में एक रिलेशन होता है। जब आप सोच लोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो कठिनाइयाँ रास्ते में बहुत आएगी, लेकिन आप कर लोगे। अगर आपने ये सोच लिया ना आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज भेज रहे हो, तो वो दिमाग काम ही नहीं करेगा उस हिसाब से। आप कह दो कि अगर मैं सोच सकता हूँ इसका मतलब मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, तो देख रहे आप कहीं आगे निकल जाएंगे। आप NCERT पढ़ रहे हो, नहीं याद हो रही, पूरी NCERT पढ़ ली, कोई बात नहीं, डांस करो, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ोगे पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर NCERT करो, तो देखना आपका लेवल अलग ही होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ, तो मैं कुलजीत आपको अब बाय करता हूँ, बाय फ्रेंड्स।